खाना खा रहे हैं, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है आप नीचे नहीं बैठ। चैनल और दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूं अमेरिका का गुरुद्वारा। मैं जा रहा हूं अमेरिका के गुरुद्वारे में, और ये गुरुद्वारा मेरे घर के काफी पास है। तो दोस्तों, जो भी मेरे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं, उन्हें मैं थोड़ा अपने बारे में बता दूं। वैसे तो मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ, कुछ सालों से यहाँ अमेरिका में रहता हूँ, और मैं ऐसी वीडियो बनाता रहता हूँ। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको हमेशा ऐसी वीडियो मिलती रहेंगी अच्छी अच्छी। तो दोस्तों, चलिए हम लोग चलते हैं गुरुद्वारे में, और मैं आपको थोड़े रोड के भी आज नज़ारे दिखाने वाला हूँ। आपको भी काफी मजा आने वाला है और मुझे भी काफी मजा आने वाला है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। आ गए हैं हम लोग फाइनली गुरुद्वारा। यस, तो मैं पहुंच गया हूं गुरुद्वारे में। तो अंदर जाने से पहले मैं आपको दिखाता हूं बाहर थोड़ा। तो ये देखिए आप मेरे पीछे, ये सब पार्किंग है। कम से कम यहाँ पे 200 से 300 गाड़ियों की पार्किंग है। ये सब पीछे आप देखो, दूर दूर तक एक से एक अच्छी गाड़ी खड़ी हुई है, सब इंडियंस की गाड़ी है अपने। तो आप वो देखिए, वहाँ पे अलग से एक और पार्किंग का प्लेस है। यहाँ पे कम से कम 200-300 गाड़ियाँ आराम से आप खड़ी हो सकती हैं। और आप जो वो पीछे बिल्डिंग देख रहे हो मेरे पीछे, उस बिल्डिंग में सेवक के लिए बनाई हुई है, वो भी गुरुद्वारे का हिस्सा ही है। वो सेवक के लिए बनाया हुआ है, जैसे जो भी सेवा करते हैं वो अपना वहाँ पे रहते हैं। और उन्होंने काफ़ी मेहनत करी हुई है यहाँ पे, काफ़ी अच्छे पेड़ लगाए हुए हैं, काफ़ी एकदम साफ़ सुथरा है। जैसे हम इंडिया में भी जाते हैं गुरुद्वारों में, साफ़ सुथरा है। मैं तो जब भी गुरुद्वारों में जाता हूँ हमेशा यही मैं देखता हूँ, कितनी साफ़ सफाई, कितनी मेहनत से, कितने दिल से सब चीज़ें करते हैं। ये है गुरुद्वारा। अंदर जाने से पहले आपको एक और चीज़ दिखा दूँ, एक और ये पार्किंग, ये देखिए साइन, ये हैंडीकैप के लिए है कि जैसे जो लोग हैंडीकैप हैं वो अपना गुरुद्वारा आना चाहते हैं, तो उन्हें ये नहीं है थोड़ा दूर पार्किंग करना है। वो बिल्कुल देखिए मेन डोर वहाँ पे है, तो ये यहाँ पे आराम से पार्क करके उनको 2-3 स्टेप ही ऊपर जाना होता है, तो आराम से वो लोग जा सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छी फैसिलिटी दी हुई है गुरुद्वारे में लोगों के लिए। सबके बारे में सोचा हुआ है कि चाहे जो भी आ रहे हैं, चाहे वो हैंडीकैप हैं चाहे कोई भी है, उनको प्रॉपर पार्किंग पूरी फैसिलिटी दी हुई है। तो ये मेरे को काफ़ी अच्छा लगा। और ये देखिए कितना अच्छा ग्रीनरी है, कितना अच्छा मेंटेन किया हुआ है, पूरा प्रॉपर घास वगैरह सब काटा हुआ है, कितने अच्छे पेड़ लगे हुए हैं। दोस्तों, ये आ गया हूँ मैं अंदर। तो 390 लोग आराम से इसके अंदर बैठ सकते हैं, तो काफ़ी बड़ा है, 390 लोग आप खुद सोच सकते हैं। तो इन्होंने यहाँ पे वेडिंग भी आप कर सकते हैं, अगर शादी वगैरह करना चाहते हैं तो। शादी का जो है 1100 70,000 रुपये आप देंगे तो यहाँ पे आप शादी भी कर सकते हैं इसी में। और ये यहाँ पे आप भंडारा वगैरह, लंगर आप सब कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पे आप चप्पल जूते आप अपने उतार सकते हैं, तो मैं अपने शूज़ उतार देता हूँ और मैं अपनी कैप भी रख देता हूँ। यहाँ पर है फ्रेश पटके, दोस्तों मैंने बांध लिया है पटका, और मुझे तो पटका बहुत अच्छा लग रहा है। तो अब हम लोग चलते हैं अंदर, हम लोग चलते हैं अंदर। Thank you.
अब मैं हूँ लंगर हॉल में। आप ये देखिए, आराम से लोग नीचे बैठ के अपना खाना खा रहे हैं। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, आप नीचे नहीं बैठ सकते, तो बड़ा अच्छा इंतज़ाम है। इन्होंने देखिए कुर्सियाँ डाली हुई हैं पीछे की तरफ में, आप आराम से उस पर बैठ के खा सकते हैं। आ गया हूँ बाहर, और अभी जैसा आपने देखा मैंने लंगर किया। लंगर में क्या था, रोटी थी, चावल थे, पनीर की सब्ज़ी, दाल की सब्ज़ी, रायता और जलेबी भी थी, और बिल्कुल मतलब घर जैसा खाना था। बिल्कुल खा के एकदम मुझे तो इंडिया की याद आ गई। और दोस्तों जैसा आपने सब देखा कि कैसे प्रेयर कर रहे थे, मतलब कितना शांतिपूर्वक, एकदम साफ़ सफाई अंदर, बिल्कुल मतलब रूल रेगुलेशंस ऐसे थे, मतलब सब लोग अपने आप फॉलो कर रहे थे, कोई भीड़ नहीं, कोई धक्का मुक्की नहीं, बिल्कुल आराम से सब कुछ हुआ। और मेरा तो एकदम आते ही यहाँ पे एकदम दिमाग एकदम शांत हो गया है। मतलब ऐसे लग रहा है कि जितना भी बोझ था, जितनी टेंशन थी, सब दूर हो गई हैं, तो काफ़ी अच्छा फील हो रहा है मेरे को। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है दोस्तों, तो आप इसको लाइक कर दो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपको अच्छी लगी है शेयर भी कर दीजिए। तो मैं मिलता हूँ आपके से एक नई वीडियो के साथ। बाय, टेक केयर दोस्तों।